मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओपीएस को लेकर पोस्ट सामने आई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पोस्ट की है, तो बड़ी खबर आपको बता रहा है। ओपीएस से जुड़ी हुई पोस्ट है, आपको पूरी जानकारी भी देते हैं कि पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिंदगी भर जनता की सेवा करने के बाद क्या बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारियों की सम्मानजनक पेंशन पक्की नहीं होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाए। आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये लिखा कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को वोट दे और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कीजिए। और उन्होंने हैशटैग भी यहाँ पर लगाया और हैशटैग में लगाया कांग्रेस फिर से। तो बड़ी पोस्ट यहाँ पर ओपीएस से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा है कि वोट कांग्रेस को देकर अपने और अपने परिवार का भविष्य को सुरक्षित करें। एक हैशटैग भी यहाँ पर लगाया गया, कांग्रेस फिर से का हैशटैग यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, पूरी पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने ओपीएस को लेकर ये पोस्ट की है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये पोस्ट की गई है। कहा कि जिंदगी भर जनता की सेवा करने के बाद क्या बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्या? ओल्ड पेंशन स्कीम को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाए। यहाँ पर बड़ी पोस्ट सामने आई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने हैशटैग लगाया कांग्रेस फिर से। तो ओपीएस को लेकर सीएम अशोक गहलोत की ये पोस्ट, जिसमें कहा गया कि जिंदगी भर जनता की सेवा करने के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ पर सवाल उठाया है उन्होंने, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाए। और आगे उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाए और अपने और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कीजिए और हमें वोट दीजिए। तो कई मायने यहाँ पर पोस्ट से नजर आ रहे हैं।